नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये एचटेट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 15 है। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, और अगर आपको ये आता है तो वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको आता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इफ़ द एच सी एफ ऑफ 78 and 143 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 78m + 143m, जो 78 और 143 का एच सी एफ है, जो भी आएगा उसको हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपको बतानी है m प्लस n की वैल्यू, बतानी की क्या होगी m प्लस n की वैल्यू। अब एच सी एफ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एच सी एफ क्या है, वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। एच सी एफ फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, 143। तो एच सी एफ निकालने का तरीका क्या है भाई, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 13 × 6 = 78 होता है, तो हमने लिख दिया इस तरह से, और ये होता है 13 × 11। क्लियर है। अब इनमें कॉमन नंबर, प्राइम कॉमन नंबर, तो वो कौन सा है, 13 है, और तो कोई है ही नहीं, तो इसका जो एच सी एफ आ गया वो क्या आ गया, 13। यानी 13 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों का क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्लियर है। अब एच सी एफ आ गया 13, लेकिन 13 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 78m + 143n = 13। अब m और n की वैल्यू इस तरह से रखनी है कि ये 13 आ जाए। अच्छा, मैं दोनों पॉजिटिव रखूंगा तो प्लस करने पर ये 13 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और अगर मैं वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, सबसे पहले m की वैल्यू 1 पुट करके देखूँ, अगर मैं नेगेटिव पुट करके देखूँ, m की वैल्यू -1 रख के देख लूँ, और n की वैल्यू +1 रख के देख लूँ, तो 143 - 78, तो 13 में से 8 गए, तो ये हो गए 5, जबकि 5 यहाँ आने रहा, तो ये वैल्यू फेल होगी। अब रख लेते हैं ज़रा m की वैल्यू, रख लेते हैं -2 और n की वैल्यू 1, तो ये आ गया 143 और 78 2 कितना होता है, 8 × 16 = 14 = 15 156। ठीक है, m को हमें पॉजिटिव पर 2 रखना पड़ेगा, n को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी जाके ये माइनस का आएगा ना, तो 6 में से 3 गए 13। हाँ, तो m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है -1। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, बस पुट कराया है, वैल्यू इस तरह से पुट करिए कि ये 13 बनना चाहिए। क्लियर है बात। तो ठीक है, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और n की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। बस अब पुट करना है m प्लस n, यानी कि m प्लस m की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, m की वैल्यू क्या है, 2 + -1 विच इज इक्वल टू 2 - 1 = 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बस यहाँ पर था मेन ना, आपको पुट करके देखना था कि जिससे ऐसी वैल्यू पुट करने पर कि आंसर क्या आ जाए, आपका 13 आ जाए। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है तो आपने आंसर देना है, m प्लस n का आंसर बताना है कि क्या आएगा, आंसर इसी का बताना है कि m प्लस n की वैल्यू प्लस करके क्या आएगी, आंसर कमेंट सेक्शन में करें। और आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।